सरकार ने यहाँ युवाओं को नशे की दलदल से निकालने के लिए पूरी तरह नशे पर रोक लगा रखी है और कई नशे के सौदागरों को जेल की हवा भी खिलाई जा रही है ताकि पंजाब में से नशे को जड़ से खत्म किया जा सके। पर कहते हैं ना, नशा करने वाले नशा करने के लिए कोई ना कोई नई तकनीक ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे ही कई मामले जिला पठानकोट में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ युवा सरेआम पंजाब सरकार व पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए नशा करते या फिर मलते हुए नजर आ जाते हैं। बता दें कि दूसरी ओर नशा महंगा होने के कारण युवा मुफ्त के नशे कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये नशे मुफ्त हैं और दूसरा ये आराम से मिल जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भांग चरस के नशे की, जो कहीं पे भी मिल जाता है। आजकल पठानकोट में युवा वर्ग इसी नशे को करने में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह एक युवा बिना किसी खौफ के भांग मिलने में लगा हुआ है। जब इस युवा को रोककर इससे बात की गई तो उसने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा कि बाबूजी क्या करें, हमें नशे के आदी हो चुके हैं। वह नशा चाहे शराब ही ले लो, बहुत महंगी है और वह दिहाड़ीदार लोग हैं, कहाँ से नशा करेंगे। इसलिए ये नशा मुफ्त में मिल जाता है और इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है, इसलिए वह इसी नशे से अपनी पूर्ति करते हैं। यहाँ ये बात तो साफ है कि सरकार चाहे जितने मर्जी जोर लगा ले, पंजाब से नशा खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही पंजाब के युवा वर्ग को नशा करने से रोका जा सकता है। हाँ, अगर सरकार सही में चाहती है कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना है तो फिर इस ओर भी सरकार को ध्यान देना होगा व ऐसे नशों पर भी सख्त कानून बनाने होंगे। उधर जब इस संबंधी डीएसपी सिटी शीतल सिंह से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि युवा वर्ग इस तरह का नशा कर रहा है, क्योंकि ऐसा नशा कहीं भी आराम से मिल जाता है। कार्रवाई संबंधी उन्होंने कहा कि अगर कोई युवा ऐसा नशा करता पाया जाता है तो उनकी ओर से उस पर कार्रवाई भी की जाती है। ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਮਲਣ ਦਿਓ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਭੰਗ ਮਲਣ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੂਬ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਕਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਪਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੈ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਹੁਣ 5-6 ਰੁਪਏ ਛੂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜੀ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਬੀੜੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੋਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੰਬਾਕੂ ਜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀੜ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾ सर जिस तरह पंजाब सरकार वालों नशा जरा पंजाब टोटली बंद किया गया किसी तरह के भी नशे उ पूरी तरह जी रोक हैगी है वो बावजूद भी कई यहोजे फ्री के नशे ने जो लोग कर रहे हैं उन्होंने थोड़े वालों की कार्रवाई है देखो कुछ नशे जोड़े है जो एन डी पी एस जल्द चाहते हैं जी एक्ट की जल्द चाहते हैं वो संबंधी तो जी है पुलिस वालों जो भी कोई यह जी साढ़े जल्द भोग का बंदा पकड़ा जाता या साढ़े नॉलेज आता रेड करके फट के तो उसे रजिस्टर करते हैं हूँ जिमें कई नशे जोड़े है जिमें केलियां मार के जो खाता ने जो होर यह जे कोई एरोडेक्स वगैरह का जो पता लगे मैं यह जो नशे के जोड़े है इन्होंने संबंधी जो कानून उन्होंने कोई खास जो कोई धारा जल च बहुते नशे कई नहीं आते फिर भी जोड़े संबंधी जी कोई होर यह जहाँ कोई है जिम्मे कोई नशा जो है लैके जो एन डी पी एस जल चाहता है जक्साई वो संबंधी जो भी आँगी वो जरूर कार्रवाई करें देखो भंग का जो नशा है एन डी पी एस की जल्द चल जाता जो गांजा वगैरह जल जो बन जाता है उस संबंधी चरस बन जाती है उस वे जो सा जल्द चाहता है जो भी आड़क कार्रवाई करते हैं। कवल रंधावा, दिव्य पंजाब टीवी, पठानकोट।